हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे आप लोग अभी का अच्छे होंगे। और गाइस, आज आप लोग बताने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। एक्चुअली अपाची जो बाइक है ना, इसको क्यों लेना, मतलब सबसे अच्छा रहता है कि 160 में आप लोगों को क्यों लेना चाहिए, तो उसके बारे में बताएंगे आप लोगों का। भाई क्या मेरे को ना सेटिस्फेक्शन लगता है ये गाड़ी चला के, और इतना ज़्यादा भाई अच्छा है ना माइलेज भी, भाई इसका दमदार है, बहुत ज़्यादा ही माइलेज है 160 में। और कोई भी बाइक ले लो 160 का, बट इसका उतना जितना माइलेज है, जितना माइलेज इसका है ना, उसका किसी बाइक का भी माइलेज इतना नहीं है जितना इसका है। तो भाई इसका माइलेज आप लोग सुन के पागल जगह कितना है, 48 ऐसे दे देती है, 45 आराम से आपको लग रहा है हाईवे में दे देती है, सिटी में भी भाई 40 तो आराम से देती है सिटी में भी। भाई इसका माइलेज जबरदस्त है। और आप लोग बताएंगे भाई इसका क्यों ये बाइक लेना चाहिए आप लोगों को, ये 5 रीजन बताएंगे आप लोगों को। तो हम ये बाइक ना भाई बहुत दिन से चला रहे हैं, करीब गाड़ी लेकर ना भाई 5 साल हो चुका है, और 5 साल अभी तक एक बार भी धोखा नहीं दिया रास्ता में, कहीं भी बंद नहीं हुए 5 साल में। लेकिन और उतना ज़्यादा सर्विसिंग भी नहीं कराते हैं बाइक का, हालांकि एक हमको लग रहा है ना अभी तक सर्विसिंग 8-9 महीने से ज़्यादा हो गया होगा, उसके बाद जाके अभी सर्विसिंग कराएंगे, कराए नहीं अभी कराएंगे, बट नॉर्मली जो हल्का हल्का काम रहता है ना वो सब कराते हैं, बट जैसे कि तेल देना वो तो नॉर्मल सी बात है, चेन सब में चेन में तेल देना वही सब नॉर्मल सी, मतलब नॉर्मल सी बातें वही सब करते हैं, बाकी अभी उतना ज़्यादा खर्चा करना एक बार भी नहीं किया भाई, एक बार भी नहीं। तो अभी और क्या बताएं। तो गाइस देखो, सबसे पहला आ जाता है ना इसका लुक, लुक भाई एकदम खतरनाक लुक है अपाची का, आप लोगों को जैसे पता ही है। और आप लोगों को भाई देखो मोटो ब्लॉक करते हुए भी कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देखो आपको जो फ्रंट व्यू है ना ये भी ज़बरदस्त लग रहा है। तो मैटर करता है भाई व्यू, मोटो ब्लॉक में व्यू मैटर करता है, बाइक का व्यू देखिएगा आप लोग, 900 जो है ना भाई कवासाकी Z900 उसका लुक देखना आप लोग क्या भद्दा दिखता है, लेकिन एकदम मोटो ब्लॉक करने में एकदम भाई मज़ा नहीं आता देखने में, रियली बता रहे हैं आप लोगों को, ट्राई करना है देख के, मतलब नहीं देखे हो तो किसी का भी मोटो ब्लॉक Z900। और ऐसे ही देख लो आप लोग जैसे हयाबूसा सब देख लो, वो सब में भाई क्या ही मज़ा आता है, लेकिन ब्लॉक देखने में खतरनाक मज़ा आता है। इसके लिए तो बोलते हैं अपाची का लुक देखो कितना ज़बरदस्त है, ये जो दिखता है ना भाई ये लुक जो पर्सन दिखता है ना आगे का, ये ज़बरदस्त होना चाहिए, तो जिसमें कि ये बाइक खतरनाक है अपाची। तो लुक तो भाई आप लोग देख ही लिए, और इसमें भाई स्पोर्ट बाइक है, ये स्पोर्ट बाइक है, इसमें आप लोग फैमिली बैठा सकते हो, 3 जन भी बैठा सकते हो आराम से, ट्रिपल लोडिंग भी आराम से हो जाएगा, और साथ में अपने फैमिली मेम्बर है, अपने मदर है, सबको बैठा सकते हो आप, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी सब बाइक में क्या होता है ना पीछे जो बैठता है, मतलब आप लोग फैमिली में अपनी मम्मी दीदी कोई भी बैठेगी तो पीछे भाई वो गिरने का चांस रहता है, बट अपाची में क्या है ना आराम से कंफर्टेबल बैठ सकती है फैमिली वाला। और बाइक आप लोगों को जैसे कि मिल जाता है स्पोर्ट में, पूरा खतरनाक स्पोर्ट। और इसकी जो और भाई सेकेंड रीजन ये है ना कि इसका जो स्पीड है, स्पीड भी खतरनाक 130 प्लस चल जाती है सिंगल में, 130 प्लस, पर आपका पीछे का पिलियन रहेगा तो उसका 120 प्लस तक चली जाएगी, 130 क्रॉस नहीं करेगी लेकिन 120 क्रॉस कर जाएगी डबल में। और भाई इसकी इंजन की बात कीजिए ना, इंजन भी भाई बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब 160 की इंजन मिल जाती है आप लोगों को ये बाइक। ये बाइक है भाई आप लोगों को डेफिनेटली अपना कॉलेज जो है ना कॉलेज ले जा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्रेसिंग लुक आएगा आपका। और इसका डिस्प्ले भी देख सकते हो आप लोग, खतरनाक दिखता है डिस्प्ले देखो। और इसमें डिस्प्ले में भाई हर एक चीज़ आप लोग पता चलेगा, डेट टाइम जितना है सारा कुछ आप लोग मेंशन रहेगा यहाँ पे, देखो टाइम यहाँ पे है, डेट भी है इसमें, और कितना माइलेज चल रही है, मतलब कितना माइलेज दे रही है एवरेज वो भी दिखा देगा आपको, फिर फ्यूल इंडिकेटर भी मिल जाएगा आप लोगों को, और स्पीडोमीटर भी मिल जाएगा इसमें। तो हालांकि इस छोटा सा चीज़ में सारा कुछ है आप लोगों का, तो ये भी काफ़ी अच्छा मैटर करती है भाई बाइक। और ये बाइक भाई मिल जाती है आप लोगों को 1,50,000 में मिल जाती है आराम से। जो अपाची बाइक है ना भाई ये दो वेरिएंट में आती है, एक 4B और एक 2B में आती है, दो वेरिएंट में आती है ये बाइक। और इसका जो कलर है ना भाई ये, तो गाइस इस बाइक में ना भाई आप लोगों का कूलेंट भी मिल जाता है, इंजन कूल ऑयल, मतलब 160 में बाइक में अभी तक एक भी बाइक में नहीं है कूलेंट सिस्टम, लेकिन इस अपाची 160 में कूलेंट है भाई, NS160 भी है बट उसमें उतना ज़्यादा कूलेंट नहीं है, मतलब कूलेंट ही नहीं सिस्टम है ही नहीं कूलेंट सिस्टम, बट इसमें देखो भाई अपाची में कूलेंट सिस्टम दे दिया है, आप लोग कितने भी लॉन्ग राइड कर लो एक दिन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और इसकी जो भाई हेडलाइट है ना, हेडलाइट वो भी रात को खतरनाक दिखती है, हालांकि रात का फोटेज मेरे पास रहेगा तो हम डाल देंगे, आप लोग देख लेना क्या खतरनाक दिखती है। और ये बाइक ना भाई 5 गियर में आती है,
लेकिन मैं चलाने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन तो देख लो इतना ज्यादा बैलेंस रहता है ना, गाड़ी पूरा बैलेंस में रहता है। और 160 मतलब 130 आप लोग चल जाएगा ना, 130 प्लस स्पीड में, 130 प्लस में चल जाएगा ना आप लोग, तो भाई गाड़ी आप लोग रास्ता छोड़ने वाली नहीं है, मतलब इतना ज्यादा भारी है गाड़ी। तो आई थिंक 145 केजी की है ये बाइक, तो भाई काफी ज्यादा मतलब वेट है गाड़ी का, हम तो अकेले उठा ही नहीं पाते हैं, इतना ज्यादा वेट है। तो भाई इस बाइक की जो ना फ्यूल टैंक है ना, ये है 30 लीटर की, तो भाई आप लोग मतलब इसकी माइलेज आप लोग निकाल सकते हो कितना ज्यादा देती है फुल टैंक कराने से, कितना किलोमीटर पर चला सकते हो। और ये बाइक ना भाई आप लोगों को ड्रम ब्रेक वाला गाड़ी भी मिल जाएगा और डिस्क ब्रेक वाला भी मिल जाएगा आप लोगों को, और अभी तो ABS वाला भी आ चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट में है ये वाला बाइक। लेकिन कलर आप लोगों को ब्लैक और ब्लू ही मिलेगा 164V में, इसकी वाइट कलर तो आता नहीं अभी तक नहीं आया है वाइट कलर, ब्लैक और ब्लू ही देखे हम जहाँ पर देखे हैं ये। और सॉरी गाइस, रेड भी आता है, ऑरेंज कलर वो भी आता है, तीन कलर में आप लोग मिल जाएगा बाइक। अब एक्चुअली मेरा दिमाग से निकल गया था कि ऑरेंज कलर है बोल के, देख रहे हो कंफर्टेबल गाड़ी मैटर करता है कंफर्टेबल में, कितना ज़्यादा कंफर्ट है चलाने में, तो ये तो भाई काफ़ी ज़्यादा ही कंफर्ट लगता है हमको तो। और इसमें आप लोग तीन जन आराम से बैठा सकते हो, आराम से। लेकिन हम कुल मिलाकर बताया ना कि ये पैसा वसूल गाड़ी है, लेकिन जीरो मेंटेनेंस वाला, एक बार खरीद लो फिर उसको चलाते रहो भाई दम भर के, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अभी तक तो हमको माइनर से भी दिक्कत नहीं लगाई गाड़ी में, इंजन तो भाई अपने इंडिया की है ना, तो जबरदस्त रहना ही है। तो गाइस हम सोच रहे ना इस ब्लॉग का यहीं पेंट करते हैं, आई होप कि ब्लॉग आप लोग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं कुछ अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइज़।